फाइनली इंडिया में एप्पल का पहला स्टोर ओपन हो गया है, जहां पर एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कस्टमर्स का वार्म वेलकम किया। साथ ही साथ ये एक नॉर्मल स्टोर नहीं है, इससे पहले एप्पल का इंडिया में कोई भी ऑफिशियल स्टोर नहीं था। जितने भी स्टोर थे वो सारे थर्ड पार्टी स्टोर थे, यानी कि वैसे तो उनको एप्पल से परमिशन मिली थी लेकिन एक्चुअल में कोई भी ऑफिशियल स्टोर नहीं था। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ फायदा होने वाला है इंडिया को इससे, और क्या कुछ फैसिलिटी मिलने वाली है, या फिर कितना कुछ इजी काम होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्पल स्टोर के बारे में, क्या कुछ खास है इसमें, इसके बाद हम बात करेंगे इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्पल स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहां पर आपको एक प्रकार से प्राकृतिक माहौल देखने को मिलेगा, यानी कि अंदर ही जो कि रियल ट्री है इस तरीके से बना गया कि एक प्रकार से नेचुरल तरीके से, साथ ही साथ लाइट्स कम है ऊपर और बाहर की जो नेचुरल लाइट है वो ज्यादा आती है। इसकी क्या वजह है, सारी वॉल जो कि ग्लास से बनी हुई है। यहां पर बात करें हम जो सीढ़ियां हैं वो भी ग्लास से बनी हुई है। आईफोन की स्पेशल 3 टेबल्स देखने को मिलेंगी, जहां पर सारे वेरिएंट, कौन सा कलर आपको लेना है, कौन सा मॉडल आपको लेना है, किस बजट में आप लेना चाहते हैं, उसके बाद आईपैड की रो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फिर आपको मैकबुक की रो देखने को मिलेगी, इसके बाद स्मार्ट वॉचेज की, फिर जो कि एयरडॉक्स, जितने भी मतलब कि एप्पल के प्रोडक्ट हैं सारे उसके अंदर देखने को मिलेंगे। दूसरे जो स्टोर हैं वहां पे स्पेस बहुत कम होता है, वहां एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता, इतनी भीड़ में इतना अच्छा कंफर्ट महसूस नहीं होता, यहाँ पे स्पेस अच्छा है। और साथ ही साथ जो कि आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि आप एप्पल के यूजर हो, यानी कि आप एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, उसके लिए क्लासेस भी लगती हैं, स्पेशल इवेंट भी होता है, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको यूज करने का अच्छे से अच्छा तरीका बताया जाएगा। देखिए कितना क्या कुछ होने वाला है इस एप्पल स्टोर के अंदर। थर्ड पार्टी स्टोर है वहां पे इतना अच्छा माहौल नहीं होता, या फिर हम बताएं कि इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलती। यहाँ पे आपको एक एक चीजें बताई जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि ये ऑफिशियल है। ऐसा नहीं कि आप थर्ड पार्टी में जाते हो तो वहां एप्पल के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पे आप खुलकर क्लेम कर सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ, बिहेवियर अच्छा नहीं हुआ। वैसे कई बार थर्ड पार्टी स्टोर में हो जाता है बिहेवियर अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चांसेज नहीं है। आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करेंगे। कि मान लीजिए किसी को आईफोन लेना है, वो चला जाता है एप्पल स्टोर, उसको पूरे एप्पल स्टोर में घुमाएंगे, जी सर आपको ये चाहिए ये ले लो, नहीं नहीं ये पसंद नहीं है तो वो ले लो, वो चला कर देखो, आप 1 घंटा चला कर देखो, 2 घंटा चला कर देखो, 3 घंटा चला कर देखो। वहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आते ही जबरदस्ती आपको ऊपर एकदम से प्रेशर डाल दिया, जल्दी बोलो जल्दी कौन सा लेना है सर बताओ मेरे को, वहां ऐसा नहीं है। वहां सिर्फ आप 1 घंटा एक्सपीरियंस करो, 2 घंटा चलाओ, आईफोन को चलाओ, आईपैड को चलाओ, मैकबुक को चलाओ, कहां क्या प्रॉब्लम आ रही है, चलाने में कंफर्ट हो या नहीं हो, अच्छा फील हो रहा या नहीं हो रहा, तो सारी चीजें घंटों तक आप आसानी से कर सकते हो। यानी कि अभी एप्पल स्टोर ओपन हुआ है और जहां इवनिंग में क्लोज होता है सुबह से लेकर इवनिंग तक आप आसानी से वहां एक्सपीरियंस कर सकते हो नई नई चीजों का। कभी आप इवेंट देखो, कभी आप क्लासेस ज्वाइन करो, कभी आप जो प्रोडक्ट आपको लेना या फिर फ्यूचर में बाई करने जा रहे हो उसका एक्सपीरियंस आप आसानी से कर सकते हो। कुछ एप्स हैं और उनका कोड स्कैन करके आप डायरेक्ट अपने मोबाइल में पूरे एप्पल स्टोर का इंटरफेस, साथ ही साथ जो कुछ एक्टिविटी या फिर जो चीजें आप सीख सकते हो या फिर इस टाइप की चीजें जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो अपने मोबाइल में से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये देखिए कितना जबरदस्त है एप्पल का स्टोर। आईफोन की प्राइस रेंज तो कम होगी, साथ ही साथ आपको अलग से गिफ्ट कार्ड, स्टोर कार्ड, अभी भी क्या है कि आपने कोई एप्पल की तरफ से गिफ्ट कार्ड बनवा लिया, ठीक है, आपके फ्रेंड को दे दिया, ठीक है, वो गिफ्ट कार्ड आपका फ्रेंड एप्पल स्टोर में लेकर जाता है तो उसके बदले में उसको प्रोडक्ट मिलेगा एप्पल का। दूसरी चीज ये कि आपके पास स्टोर कार्ड है, आपको मैकबुक लेना है, आपके पास है 1 लाख रुपए और मैकबुक की कीमत है 2 लाख रुपए, देन आपके पास एप्पल स्टोर का कार्ड है, 1 लाख रुपए अपनी जगह से लगाइए और 1 लाख रुपए का एप्पल का स्टोर कार्ड। तो इस ये छोटी छोटी चीजें जो कि ये तो बहुत कम है, और भी काफी कुछ चीजें जो कि वहां जाकर मैं एक्सपीरियंस करूंगा, जिनके पास आईफोन नहीं है, आईपैड नहीं है, मैकबुक नहीं है, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्री में, ये कोई कॉस्ट नहीं लगेगी आपको वहां जाने के बाद। क्या कुछ खास चीजें लगी आपको एप्पल स्टोर के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।